हेलो फ्रेंड्स, आई एम कोमल छापकर। वेलकम टू आशीर्वाद किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरात की एक बहुत ही पॉपुलर मिठाई की रेसिपी, जिसका नाम है मोहन थाल। कान्हा जी को ये बहुत पसंद है, इसीलिए इसका नाम है मोहन थाल। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक लूज़ मोहन थाल जो हलवे की तरह होता है, और दूसरा बर्फ़ी मोहन थाल जिसको इस तरह बर्फ़ी के शेप में बनाया जाता है। मोहन थाल बनाने के लिए दरदरा बेसन और मावे का यूज़ किया जाता है, तब ये बहुत ज़्यादा दानेदार और टेस्टी बनता है। लेकिन आज मैं ये मोहन थाल रेगुलर बेसन से और बिना मावे के बनाऊंगी, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और दानेदार बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, हलवाई की दुकान से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत सारे टिप्स शेयर करूंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बेसन को छानने के लिए एक छन्नी लेनी है, और यहाँ पर मैंने 2 कप जो रेगुलर नॉर्मल बेसन आता है वही लिया है, लेकिन फुल भर के लिया है इस तरह से। और अब इस बेसन को अच्छे से छान लेना है, लेकिन अगर आपको दानेदार बेसन मिले तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा। अब इसमें 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी ऐड कर देना है। मिठाइयाँ हमेशा देसी घी में ही अच्छी लगती हैं, इसलिए घी का ही यूज़ करें। इसी के साथ 3 टेबलस्पून हल्का गर्म दूध ऐड करना है, तो दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। और अब इन दोनों को अच्छे से बेसन के साथ मिक्स कर लेना है। बेसन के हर कण में घी और दूध मिक्स हो जाना चाहिए, इस तरह से अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेना है। चाहे आप दरदरा बेसन यूज़ करें या तो फिर इस तरह रेगुलर वाला बेसन यूज़ करें, आपको ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मोहन थाल दानेदार होता है और बेसन या फिर दरदरा बेसन को दानेदार बनाने के लिए ही ये प्रोसेस किया जाता है। अब इस तरह से दोनों हाथों से अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लेना है। ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेशलिटी है मोहन थाल मिठाई की, इसीलिए ये मोहन थाल कहा जाता है। अदरवाइज़ ये सेम टू सेम बेसन की बर्फी जैसा ही है, लेकिन ये एक स्टेप करने से उसका जो टेस्ट है वो एकदम अलग लेवल पे चला जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब इस मिक्सचर को इस तरह हाथों से प्रेस कर देना है, बहुत अच्छे से दबा देना है, और इसीलिए इस प्रोसेस को गुजराती में दाबो देना कहा जाता है। तो इस मिक्सचर को अच्छे से इस तरह से दबा दबा के प्रेस कर लेना है, और अब इसे 30 मिनट्स के लिए रख देना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप आगे का स्टेप 10 मिनट्स के बाद भी कर सकते हैं। तो इसे ढककर कम से कम 10 मिनट या फिर टाइम हो तो 30 मिनट्स रख दीजिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब इस मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें बहुत बड़े बड़े लम्स हैं, तो हमें इतने बड़े लम्स भी नहीं चाहिए, हमें दानेदार बेसन चाहिए। तो आप इस तरह से कोई बड़े होल्स वाली छन्नी से इसको छान सकते हैं, छोटे होल्स वाली नहीं, थोड़े बड़े होल्स हो ऐसी छन्नी से आप इसको छान सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको एकदम ईजी ट्रिक बताऊंगी, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा और मेहनत भी बचेगी। एक मिक्सचर के ग्राइंडर में इस तरह से सारा बेसन ऐड कर देना है, और क्योंकि हमें दानेदार बेसन चाहिए तो हमें इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है। हमें मिक्सचर को चालू बंद करते हुए, यानी कि पल्स मोड पे, जैसे हम ऐसे चालू बंद करते हैं, बस उसी तरह से सिर्फ 2 से 3 चक्कर घुमाना है, इससे ज़्यादा नहीं घुमाना है, क्योंकि हमें बेसन को दानेदार रखना है, बारीक नहीं करना है। तो मैंने इसको जस्ट 2 से 3 चक्कर घुमाया है बस, और आप देख सकते हैं हमारा दानेदार बेसन तैयार है और इसमें कोई भी बड़े लम्स भी नहीं है। तो है ना एकदम ईजी ट्रिक। अब जिस भी थाली में या मोल्ड में आपको मोहन थाल सेट करना हो, उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर ले, और हो सके तो बटर पेपर भी लगा दें। अब एक हैवी बॉटम कढ़ाई लेनी है, और उसमें 3/4 कप मेल्टेड घी ऐड करना है, और घी को मेल्ट करने के बाद ही मेजर करना है। और जब घी अच्छे से गर्म हो जाए, उसी के बाद जो बेसन को हमने रेडी किया था उसे ऐड करना है, घी गर्म होने के बाद ही ऐड करना है। फ्लेम को यहाँ पे लो और मीडियम के बीच में रखना है, और अभी आप देख सकते हैं बेसन ने सारा घी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हमें बेसन को पेशेंटली भूनना है, इसे भूनने में 20 से 22 मिनट लग जाएंगे,
लेकिन सबकी गैस कढ़ाई सब अलग होता है तो टाइम वेरिएशन हो सकता है, लेकिन फ्लेम को यहाँ पे लो और मीडियम के बीच में ही रखना है। बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे भी नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम पे भी नहीं सेकना है और हाई फ्लेम तो रख ही नहीं सकते वरना बेसन जल जाएगा। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं बेसन अच्छे से भुन रहा है और उसका टेक्स्चर चेंज हो रहा है, उसमें से घी भी रिलीज़ हो रहा है और उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है और बेसन अभी आप देख सकते हैं फूलने लगा है। मैंने वीडियो थोड़ा सा बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है ताकि आपको ज़रा भी परेशानी ना हो। और अभी आप देख सकते हैं बेसन एकदम फूल गया है, पहले और अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा होगा। तो इसे भूनते भूनते अभी 20 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसका अच्छा कलर नहीं आया है, खुशबू तो आनी शुरू हो गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, बहुत ही हल्का हो गया है और फूलने लगा है आप देख सकते हो। लेकिन हमें इसमें और अच्छा कलर चाहिए, एकदम अच्छा ब्राउन कलर चाहिए, तो इसे इसी तरह लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे ही सेकना है। और बेसन को जितनी ज़्यादा देर तक लो फ्लेम पे हम रोस्ट करते हैं ना, उसका टेस्ट उतना गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और जितना कम सेकोगे हाई फ्लेम पे स्वाद उतना ही कम आएगा। तो लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आप उसे जितनी ज़्यादा देर हो सके उतने अच्छे से भुनिए, तो खाने में बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अब आप देख सकते हो कलर अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है और हर एक दाना अलग हो गया है, क्रिस्पी हो गया है क्योंकि इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है और आप देख सकते हो घी भी अच्छे से रिलीज़ हो चुका है। तो बस इस स्टेज तक इसे अच्छे से भून लेना है और बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से और हर एक दाना दानेदार अलग हो गया है आप देख सकते हो। तो अब आगे प्रोसेस में हमें इसमें ऐड करना है 1/4 कप दूध, और दूध हमें एक साथ में ऐड नहीं करना है, एक एक टेबलस्पून करके ही दूध ऐड करना है। आप देख सकते हो एकदम दानेदार बेसन हमारा सिक के रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा बेसन रेडी हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध लिया है, मैंने सिर्फ 1 टेबलस्पून दूध ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बेसन एकदम फूल गया है, फ्लफ़ी हो गया है और उसमें एक जैसे उबाल आ गया हो, पूरा मिक्सचर ऊपर तक आ गया है, इसलिए आप बड़ी कढ़ाई का ही यूज़ करें। और 1 टेबलस्पून दूध ही ऐड करना है एक बार में और फिर अच्छे से दूध एब्जॉर्ब हो तब तक इसे लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह लगातार चलाते हुए कुक कर लेना है। दूध एब्जॉर्ब हो चुका है तो फिर से 1 टेबलस्पून मैंने मिल्क ऐड किया है, आप दूध की जगह पे यहाँ पे 2 टेबलस्पून घर की मलाई भी ऐड कर सकते हो, और अगर आप मावा ऐड करना चाहते हो तो आप इस स्टेज पे मावा भी ऐड कर सकते हो 1/2 कप, और अगर आप लूज़ मोहनथाल बनाना चाहते हैं यानी कि हलवे की तरह तो आप इसमें 1 कप दूध का यूज़ करें, लेकिन हमें बर्फ़ी बनानी है इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप दूध ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और मिक्स करते जाना है, जब दूध एब्जॉर्ब हो उसी के बाद दूसरा दूध ऐड करें। तो मैंने 1/4 कप यानी कि 3 टेबलस्पून जितना ही दूध मैंने ऐड किया है, अच्छे से चला लिया है और अब इसे गैस से नीचे उतार कर साइड में रख देना है। अब चाशनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर, और हमारे घर में थोड़ा मीठा ज़्यादा पसंद है तो 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा शुगर मैंने ऐड की है, 1/2 कप पानी ऐड करना है, जितनी शुगर है उससे 1/2 पानी ऐड कर देना है। और अब मीडियम फ्लेम पे इसकी 1.5 तार की चाशनी तैयार करनी है, तो पहले इस तरह चलाते हुए सारी शुगर को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब आप देख सकते हो शुगर अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें इलायची का पाउडर ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 से 7 इलायची के दानों को अच्छे से कूट लिया है। इसी के साथ मैं 1 पिंच जितना ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन मैं आज हलवाई की तरह बना रही हूँ, जैसे दुकान में बनाते हैं तो वो लोग कलर यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने भी 1 पिंच ही कलर ऐड किया है, लेकिन टोटली ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून जायफल का पाउडर ऐड करना है, तो इलायची और जायफल डालना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो 1/2 टीस्पून जितना जायफल पाउडर मैंने ऐड कर दिया है। अब थोड़ी देर बाद
इसको कुक करने के बाद चेक करेंगे, तो थोड़ी सी चाशनी को ठंडा होने देते हैं और इस तरह से चेक करना है। तो आप देख सकते हो अभी एक तार बन रहा है, लेकिन हमें डेढ़ तार की चाशनी चाहिए, यानी कि अभी भी इसको 5 से 6 मिनट फिर से कुक करना पड़ेगा। अगर आपको लूज मोहन थाल चाहिए तो आप सिर्फ एक तार की चाशनी बनाइएगा तो हलवे की तरह मोहन थाल बनेगा। अब फिर से 5-6 मिनट के बाद हम चाशनी को चेक करेंगे, थोड़ी चाशनी को ठंडा होने देंगे और इस तरह थंब और फिंगर के बीच में चेक करेंगे। तो अभी एक तार बन रहा है और उसके पास ही दूसरा तार बन रहा है, लेकिन शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाजू में आधा तार बन रहा है, यानी कि दूसरा तार बन रहा है लेकिन वो टूट जा रहा है। एक तार पूरा बन रहा है और दूसरा तार थोड़ा थोड़ा बन रहा है। तो बस ये डेढ़ तार की चाशनी तैयार है। तो बस अब इस चाशनी को हम जो बेसन हमने रोस्ट करके रखा था उसमें ऐड कर देना है। बेसन भी अभी भी हल्का गर्म है और चाशनी एकदम गर्मा गर्म है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो देखिए आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी मुझे ये थोड़ा लूज़ लग रहा है, तो इसे फिर से मैं गैस की फ्लेम पे रखूँगी और इसे लो मीडियम फ्लेम पे फिर से 5 से 6 मिनट में इसको कुक कर लेती हूँ ताकि ये जमने की कंसिस्टेंसी पे आ जाए। तो अभी आप देख सकते हैं ये मिक्सचर थोड़ा सा थिक हो गया है और जमने की कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो अब इसे ट्रांसफ़र कर लेना है ग्रीस किए हुए मोल्ड में या फिर थाली में और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो हमारा मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसको डेकोरेट करना टोटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप इसे कैसे डेकोरेट करना चाहते हो। भाई मैं तो यहाँ पे सिल्वर वर्क यानी कि चांदी का वर्क लगा रही हूँ और इसको ऑनलाइन परचेस करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो आप भी इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी थोड़ा डर रही थी, लेकिन अच्छे से सेट हो गया। और इसको थोड़ा और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड कर दिया है, उसी के साथ बारीक कटा हुआ बादाम भी इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल कर दिया है। फेस्टिवल्स चल रहे हैं तो थोड़ा डेकोरेटिव करना तो बनता है। और एक स्पून की बैक साइड से सब कुछ अच्छे से सेट कर लेना है। और देखिए अब मोहन थाल को सेट होने में कितना टाइम लगता है ये टोटली वेदर पे डिपेंडेंट है, कभी ये 4 घंटे में भी सेट हो जाता है और कभी इसको 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10 घंटे हो चुके हैं और 10 घंटे में ये मोहन थाल अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसको पीसेस में कट कर लेते हैं, तो आप अपने मन चाहे शेप और साइज़ में इसको कट कर सकते हो। और अगर आपका मोहन थाल फिर भी सेट नहीं होता है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। तो फ्रिज में घी जब सेट हो जाता है तो मोहन थाल अच्छे से सेट हो जाएगा, लेकिन चाशनी अच्छे से बनाई होगी तो ये मोहन थाल अच्छे से सेट हो ही जाता है। तो मैंने बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, बहुत सारे टिप्स हैं, आप ध्यान से फॉलो करोगे तो आपका भी मोहन थाल इस तरह परफेक्ट बनेगा और बहुत बहुत टेस्टी बनता है। दोस्तों आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी मिठाई है और बहुत ही टेस्टी मिठाई है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है। तो ये लीजिए तैयार है हमारा एकदम टेस्टी मोहन थाल और मैं आपको इसे एकदम पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बना है ना एकदम दानेदार, ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम दानेदार है, बहुत बहुत टेस्टी है और कितना अच्छा बना है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हलवाई की दुकान का मोहन थाल भी आप भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे तो। और एक मोहन थाल मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, तो ये देखिए बना है ना एकदम मज़ेदार, एकदम सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड दानेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी रेसिपी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक मस्त मस्त रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
और हाँ, मेरी ओर से आपको दिवाली और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नूतन वर्षाभिनंदन। ये मेरी रंगोली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।